हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स देखिए, अब परफेक्ट मौसम है कटिंग लगाने का। और वैसे तो हम लोगों के पास बहुत ही सारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन अब ज़्यादा प्लांट्स होते हैं तो लोग मांगने भी लगते हैं कि प्लीज़ ये पौधे की कट दे दीजिए, मुझे वो पौधा दे दीजिए। तो गिफ्ट करने के लिए आप इस समय खूब कटिंग लगाइए और पौधे तैयार कीजिए, और जिसका मन हो वो रख लीजिए, और जिसका मन नहीं हो या ज़्यादा हो आपके पास उन्हें गिफ्ट कर दीजिए। और इस समय ना कोई रूटिंग हार्मोन लगाने की ज़रूरत है ना कुछ, बस तोड़िए। और बहुत ज़्यादा पत्ते भी हटाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये ऐसे ही चल जाएंगे। तो यही देखिए, कुछ मैंने ड्रेसना के तोड़े हैं, और ये देखिए, ये एक तो प्लांट्स इतने महंगे हैं फ्रेंड्स, किसी से कहो कि आप पौधे लगाइए तो बेचारे वो नर्सरी में जाते हैं, तो हर कोई के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतने महंगे महंगे पौधे खरीदें। तो बस आप उन्हें एक गिफ्ट करके एक ये लत डाल दीजिए, और जब लत तो जानते हैं फिर वो पैसा नहीं देखती है, एक बार नशा चढ़ जाए पौधा लगाने का तो फिर वो खरीद खरीद के भी लगाने लगेंगे। तो घर में कोई भी आए आप उसे अपनी बगिया दिखाइए और उसे एक दो पौधे जरूर गिफ्ट कीजिए। और ये समय है परफेक्ट लगाने का। ये देखिए पेंसिल कैक्टस का पौधा है, और इसको भी मैंने लगाना है मुझे। और ये देखिए फर्स्ट क्लास, इसमें आराम से लगा दीजिए और बस लग गया। बहुत आसानी से ये पौधे लगेंगे हमारे, और हम इनको दूसरों को गिफ्ट करेंगे। यहाँ जैसे ही रूट आ जाएगी, यदि एक दो रखने हैं तो हम बड़े में गिफ्ट कर लेंगे, और नहीं तो आप छोटे। ये थैलियाँ आई थी देखिए, ये मैंने रख ली, तो इनमें ड्रेसना का प्लांट लगा रहे हैं। और ये प्लांट्स आप सब जानते हैं कितने महंगे देते हैं नर्सरी वाले, नर्सरी जाइए तब देखिए दिमाग ख़राब होता है उनके रेट सुन सुन के। तो दूसरों को दीजिए, और उन्हें भी जब नर्सरी जाकर पता लगेगा कितने महंगे महंगे प्लांट्स उन्होंने हमें गिफ्ट किए, तो अच्छा लगेगा। और हमारे लिए तो ये बस थोड़ी सी मेहनत का काम है, और हमारे पौधे भी फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, तो हमें उनकी कटिंग भी करना है। और कटिंग छटिंग करके हम क्यों उनके पौधों को फेंकें, तो हम उनको प्लांट्स गिफ्ट करें। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा पौधा है, तो इसे मैं सोच रही हूँ थोड़े से बड़े पॉट में लगाते हैं। और देखिए मैंने ज़्यादा पत्ते भी नहीं हटाए, आप देख रहे हैं वैसे लगाते हैं तो पत्ते बहुत हटाते हैं, लेकिन इस समय बस रूट्स आ जाए और बारिश का पानी मिले, बहुत फर्स्ट क्लास चलेंगे। और फिर उनसे कह देंगे कि इसी समय आप अपना, जैसे रूट्स आ जाएंगे अच्छे चल जाएंगे उनको देंगे तो कहेंगे से आप अपने बड़े पॉट में कर लीजिएगा जा कर के। तो देखिए, और ये मैंने इरेंथेमम का पौधा कटिंग लगाई, इसमें तो जड़ आ ही गई थी, मैंने ऐसे सीम खुर्स दिया था। और ये मुझसे बहुत लोग मांगते हैं मीठी नीम कड़ी पत्ता का पौधा, तो मैंने उसको भी लगाया है। अब इसमें मैं कोई छोटी कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि ये दोनों कटिंग फ्रेंड बहुत बड़ी हैं, इनको इनको ऐसे ही यदि बड़े गमले में गाड़ देंगे ना तो ये बहुत बढ़िया चलने लगेंगी, इसीलिए मैंने ज़्यादा पत्ते वत्ते उनके हटाए नहीं हैं। तो फ्रेंड्स इस समय परफेक्ट टाइम है, कटिंग लगा लगा करके आप पौधों को गिफ्ट कीजिए, और लोगों को इसके लिए तैयार कीजिए कि वो भी अपने घरों में हर ग्रीनरी लाएं, क्योंकि ग्रीनरी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बस थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट कीजिए पौधे देकर, देखिए सब गार्डनिंग करने लग जाएंगे, जैसे हम लोगों को नशा चढ़ गया है गार्डनिंग का। तो फ्रेंड्स यही एक छोटा सा वीडियो था, कटिंग तो सभी लगा रहे हैं इस समय, मैं लगा रही थी तो बनाया। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।